गीता तथा वेदांत पर अन्य अच्छी पुस्तकों को पढ़ो, बस इसी की तुम्हें आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूर्णतः दोषपूर्ण है। चिंतन शक्ति का विकास होने के ही पूर्ण मस्तिष्क बहुत सी बातों से भर दिया जाता है। मन के संयम की शिक्षा पहले दी जानी चाहिए। लोगों को सीखने में बहुत देर लगती है, क्योंकि वे अपने मन को इच्छा अनुसार एकाग्र नहीं कर पाते। हमें इनकी क्या चिंता कि मोहम्मद अच्छे थे या बुद्ध? क्या इससे मेरी अच्छाइयां या बुराइयां में परिवर्तन हो सकता है? आओ हम लोग अपने लिए और अपनी जिम्मेदारियों पर अच्छे बने। योजना बनाने वाले ने कभी धर्म की शिक्षा नहीं ली। सच्चे धर्म के क्षेत्र में कोरे पुस्तकीय ज्ञान का कोई स्थान नहीं। प्रेम ही ज्ञान देता है और प्रेम ही मुक्ति की ओर ले जाता है। यह निश्चय ही उपासना है। क्षणभंगुर मानवीय शरीर में यह ईश्वरीय की उपासना है। धर्म ही भारत का मुख्य आधार है, जिस प्रकार अन्य देश में राजनीतिक अथवा सामाजनीतिक है। संख्या अधिक होने से धन और दरिद्रता को उलट सकते हैं। बाधा जितना अधिक हो उतनी ही अच्छा है। बाधा बिना पाए क्या कभी नदी का वेग बढ़ता है? बाधा ही सिद्ध पाने का पूर्ण लक्षण है। अपनी गरीबी के विचार दूर फेंक दो। भला तुम किन बातों में गरीब हो? क्या तुम इसलिए सोच रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े इत्यादि नहीं है, अथवा 10-20 नौकर नहीं है जो तुम्हारे पुकारते ही दौड़कर हाजिर हो जाए? उससे क्या तुम क्या जानो कि यदि तुम अपने हृदय का खून बहाते हुए दूसरों के लिए दिन रात कार्य करते रहोगे तो जीवन में ऐसा कुछ भी ना रह जाएगा जो तुम ना कर सको। आजकल यह बात आम हो गई है कि सभी लोग बिना आपत्ति किए मूर्ति पूजा को दोष मानते हैं। मैं भी एक समय ऐसा ही सोचा करता था, और सजा के रूप में मुझे एक ऐसा व्यक्ति के पैरों के पास बैठकर शिक्षा लाभ करना पड़ा जिन्होंने मूर्ति पूजा में सब कुछ प्राप्त किया था। इतना जान लो, संसार में तुम जीवित है या मर गया है, इनसे तेरे स्वजनों को कोई विशेष हानि नहीं है। तुम यदि कुछ धन संपत्ति छोड़कर जा सका तो देख लेना, तेरे मृत्यु से पहले ही उस घर में डंडेबाजी शुरू हो जाएंगे। तेरी मृत्यु शयन पर तुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, स्त्री पुत्र तक नहीं। हमें उस स्थान पर पहुंचना है जहां ना तो वेद है, ना बाइबल है, ना कुरान है, परंतु वेद बाइबल और कुरान सबका सानवय है। मनुष्य ही तो रुपया पैदा करता है, रुपये से मनुष्य पैदा नहीं होता। यह भी कभी नहीं सुना है, यदि तुम अपने मन और मुख को एक कर सके तथा वचन और क्रिया को एक कर सको तो धन आप ही तेरे पास लजवत बह आएगा। सहस्त्रों में से कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करने का यत्न करता है, उनमें से भी बहुत थोड़े ही असली ध्येय तक पहुंच पाता है, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान है और वे सदा मनुष्य को नीचे ही खींचती है।